हेलो गाइस, मैं निर्मल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निर्मल ने स्केल में। तो दोस्तों, इस वाले दो फीट डिश एंटीना पर आज हमने सेट किया है मदनी चैनल को, जो कि 100 डिग्री ईस्ट पर है। तो दोस्तों, ये कितनी दूर है डीडी फ्री से, आज हम आपको सही जो तरीका है आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अक्सर आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं डिश की और देख लेते हैं सबसे पहले इसका LNB स्क्यू। तो देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल डीडी फ्री की तरह ही रहेगा, और आपको ओरिजिनल LNB यूज़ करना है सेट करने के लिए। ये एयरटेल का इन्वर्टर LNB लगा हुआ है। तो यहाँ से भी दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर अपना 93 है, बस एक सूत इंची टेप के हिसाब से इतना आपको डिश को घुमाना है, डिश के पीछे खड़े होकर इस तरफ को। और देखिए, यहाँ पर अपना डीडी फ्री है, मेरी डिश के हिसाब से थोड़ा सा मुझे झुकाना पड़ा, आप भी अप डाउन करके देख लीजिए, हो सकता है आपको डीडी फ्री की लोकेशन पर ही मिल जाए, लेकिन मेरी डिश के हिसाब से मैंने थोड़ा सा इसको झुकाया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका स्ट्रॉन्ग टीपी और चैनल स्कैन करके देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ वायर आप चेक कर लीजिए, वाइट कलर का वायर हमारे सेटअप बॉक्स पर कनेक्ट है। तो यहाँ इसकी टीपी जो है आपको क्लियर दिखाने की कोशिश करूँगा, 12315 आर्टिकल। तो इस टीपी पर इसका सिग्नल है, तो चलिए डिलीट कर देते हैं टीपी को और स्कैन करके देखते हैं। तो देखते हैं एशिया सेट 5 जो कि 100 डिग्री ईस्ट पर है। तो एंटीना सेटिंग में चलते हैं, यहाँ डिश की स्विच कोई भी इस्तेमाल नहीं किया, तो इसे ऑफ कर देते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से चैनल है आज की डेट पर। थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, स्कैनिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो सेव कर लेते हैं। तो देख लीजिए, फिर वही टीपी आई है, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई भी चेंज नहीं है, सिग्नल भी ठीक ठाक ही है, 56%। तो एक चैनल इस पर मुझे मिला है, यहाँ सैटेलाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, मदनी टीवी बहुत ही देर से यहाँ अवेलेबल है, बहुत ही आराम से 2 फीट डिश एंटीना पर इसे सेट किया जा सकता है। अगर आप सी बैंड पर इसे सेट करते हो इसी सैटेलाइट को, तो काफ़ी चैनल आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्यू बैंड में बस एक ही चैनल मिलता है। तो आराम से अगर आप मदनी चैनल देखना चाहते हो तो 2 फीट पर क्यू बैंड सैटेलाइट एशिया सेट 5 पर आप देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको कुछ नॉलेज दे पाया। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।